बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे चावलों के आटे की पिन्नियाँ। इन दिनों में चूंकि चावल जो हैं वो हर घर में नए आते हैं, तो गांव में हर घर में ही चावलों की पिन्नियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं। बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं, बड़ी ही मज़े की बनती हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं चावलों के आटे की पिन्नियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो कढ़ाही चढ़ा लेंगे चूल्हे पे और कढ़ाही में डालेंगे देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी जो है वो गर्म कर लिया था क्योंकि निकल नहीं रहा था देगची से। अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी जो है वो डाल लिया कढ़ाही में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इस कढ़ाही में चावलों का जो आटा है वो डालकर भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन्निया चूंकि ज़्यादा बनानी है तो आटा जो है वो दो तीन दफ़ा भूनना पड़ेगा, कढ़ाही छोटी है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे। बिस्मिल्लाह। चम्मच चलाते हुए भूनना है, लगातार चम्मच चलाना है। घी थोड़ा कम था तो और डाल लिया। चावलों के आटे को ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का हल्का ही भूनना है और आटा जो है वो बड़ी जल्दी जलना शुरू हो जाता है, चम्मच लगातार चलाते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चावलों के आटे ने रंग बदल लिया और अच्छी तरह भून गया जितना हमें चाहिए था। तो अब हम इसे उतार कर एक बर्तन में निकाल लेंगे और सारे चावलों के आटे को इसी तरह भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सारा आटा जो है वो भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाही फिर से चढ़ा लेंगे चूल्हे पे, आटा जो है वो हमारा भुन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम तेल डाल के कढ़ाही में भून लेंगे, थोड़े थोड़े हल्का सा भूनना है इन्हें। तो हल्के हल्के जो हैं तेल भून लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तेल जो हैं वो भून चुके हैं। तो अब हम इन्हें इस आटे में ही डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से कढ़ाही चूल्हे पे मूंगफली भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मूंगफली भी भुन गई है तो इसे भी आटे में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम डाल लेंगे, काजू और पिस्ता भी डालेंगे, इन्हें भी हल्का हल्का भून लेंगे। ये भी भुन गए हैं। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इन्हें सबको दरदरा सा पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाही में डालेंगे थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी में डालेंगे गुड़। आपने गुड़ जो है वो तोड़ के डालना है, ये गुड़ नरम है, मैंने इसलिए बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो डाले हैं, ये देखें। तो गुड़ की चाशनी बनानी है बस इतना कि गुड़ जो है वो हल हो जाए,
जब तक गुड़ हल हो रहा है तब तक हम काजू पिस्ता बादाम जो है उनको दरदरा सा पीस लेंगे कुंडे में। इसमें भी चम्मच चलाते रहना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा इलायची का जो पाउडर है वो भी बनाना है लाजमी। तो इलायची के दाने जो हैं वो निकाल लेंगे थोड़े, ताकि चावलों की पिनियों में से अच्छी सी जो है वो खुशबू आए इलायची की। तकरीबन एक खाने का चम्मच जो है वो इलायची पाउडर डालेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इलायची दानों को पीस लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्हीं इलायची दानों के ऊपर जो है बादाम काजू और पिस्ते को दरदरा पीस लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुदस्सर भाई जो हैं वो हेल्प के लिए आ गए हैं। अभी जैन भाई की और अबू जान की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी जब पिनियाँ बनानी हैं, क्योंकि पिनियाँ बहुत सारी बनानी हैं तो मटेरियल ठंडा ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुटे हुए बादाम और इसी तरह सारे बादामों को जो है वो दरदरा सा पीस लेना है, पिस्ता बादाम और काजू को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारे मटेरियल को जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और चूंकि दूसरा मटेरियल जो है ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा डाले हैं, तो अम्मी जान ने कहा है कि 4 किलो जो है वो गुड़ कर लें, तो 4 किलो गुड़ कर लिया। और दूसरा मशवरा जो दिया गया है वो ये है कि 2 हिस्सों में कर लें ताकि आसानी हो जाए, इतने ज़्यादा मटेरियल की पिनियाँ बनाते हुए टाइम लगेगा तो फिर जो है वो ठंडा हो जाएगा ये सारा मटेरियल, तो 2 हिस्सों में कर लें। तो अभी आधा आधा कर लेंगे और 2-2 किलो गुड़ जो है वो डालेंगे इनमें, तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि एक जैसा मटेरियल जो है वो हो जाए सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 2 जगहों पे हो जाएगा, आसानी रहेगी। तो गुड़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया तैयार, आधा गुड़ जो है वो डाल देंगे एक दबड़े में, दरमियान में थोड़ी जगह बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी गुड़ जो है वो तकरीबन हल्की आंच पे कोयलों पे ही ऊपर रहने देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ नहीं लगाना, गुड़ जो है वो चिपक जाता है हाथों के साथ और हाथ जो हैं वो जल जाते हैं। तो पहले जो है वो इस तरह चम्मच के साथ मिक्स करना है, और मिक्स करते ही नारा लगा देना कि आ जाएं सब हेल्प के लिए। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे जल्दी जल्दी जो है वो पिनियाँ बनाना शुरू कर देंगे। तो पिनियाँ जो हैं वो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से जौन सा साइज़ आप रखना चाहते हैं वो रख लें। पहले जो है वो सख्त हाथ लगाने हैं, बाद में नरम। और फटाफट बनाते जाना पिनियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरे मटेरियल में गुड़ डाल लेंगे,
और गुड़ जो है वो बच गया, तकरीबन 1 किलो गुड़ बच गया, यानी कि 3 किलो गुड़ जो है वो लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स करेंगे। तो टोटल जो इसमें चीज़ें लगी हैं वो तकरीबन 5 किलो आटा है चावलों का, और 3 किलो गुड़, 2 किलो देसी घी, 1 खाने का चम्मच जो है वो इलायची पाउडर, 2 किलो मूंगफली के दाने, और 1.5 किलो जो है वो बादाम, 1 पाव पिस्ता और 1 पाव जो है वो काजू, और 1/2 पाव जो है वो तिल। ये टोटल जो है वो मटेरियल लगा है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अबू जी, आज जिंदाबाद में वैसे मजा ही आ गई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं सदके जावा, मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। मेरे शहजादे आ गए ने, आ गए ना मेरे शहजादे, मैं